भोजपुरी फिल्मों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अभिनेता कुणाल सिंह हाल में ही मीडिया से रूबरू होते हुए कई बातों का खुलासा किया। सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है, जो समाज में होता है फिल्म में वही दिखाया जाता है। सच्चाई अपनी जिंदगी की मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं नायक था गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया, दुल्हा गंगा पार के जो फिल्में 75 हफ्ते 100 हफ्ते चलती थी, तो ज़्यादातर महिलाएं ही दर्शक हुआ करती थी। मेरा सोचना है कि किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए अगर महिला दर्शक नहीं मिलेगी तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म कभी भी सफल नहीं हो सकती। आज भी मैं गांव में शूटिंग करने जाता हूं तो महिलाएं कहती हैं कि भैया पोस्टर में आपकी तस्वीर देखते हैं तो हम लोग परिवार के साथ जाते हैं देखने। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये मुझे आगाह करता है कि कुणाल सिंह भूखे मर जाना, लेकिन ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना जहाँ जरूरत से ज्यादा अश्लीलता। यूं तो फिल्म तोहरा जैसन यार कहां से कुणाल सिंह के पुत्र आकाश भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहा कुणाल सिंह ने इस दौरान। देखिए, मैं एक बाप होने के नाते तो खुशी जरूर होगी, किसी भी बाप को होगा, लेकिन साथ ही मैं कलाकार भी हूँ और इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन उसके अभिनय के हर गुण को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और वो मुझे लगता है कि एक अच्छा कलाकार बन के आएगा, उभरेगा। आप लोगों के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक नया लड़का है, उसको साथ दीजिएगा, तो वो गलतियाँ होंगी तो उसकी क्रिटिसाइज़ कीजिएगा ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शंकर रोहेरा जी जो प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों के, और रवि भूषण जी जिन्होंने मेरे बेटे को इस काबिल समझा कि उनको लेके वो फिल्म बना रहे हैं, और साथ में एक और बड़ी हस्ती पवन जी भी इस फिल्म में हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म चलनी चाहिए क्योंकि कहानी भी बहुत एक अलग तरीके की कहानी है। हम दोनों बाप बेटे को पहली बार मौका मिला है इस फिल्म में काम करने का, कभी नहीं कर पाया था। जुड़ा रही जा संगीत भोजपुरी के संगे, और हाँ सब्सक्राइब कर ना भूली जा।